गोसाईगंज के उप डाकघर पर नेटवर्क न होने के कारण लोगों को पेमेंट मिलने में असुविधा हो रही है। उप डाकघर के पोस्ट मास्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नेटवर्क संबंधित समस्याओं की जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है, जबकि लखनऊ से चलकर आए अधिकारी के द्वारा डाकघर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें वे कार्यकर्ताओं से आपको बता दें संबंध में खाता खोलने से संबंधित बातचीत करते नजर आए। और उसी दौरान अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ से हमको कोई जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ नेटवर्क की समस्या चल रही है, जबकि उप डाकघर में एजेंटों का कहना है कि दिसंबर 2021 से लगातार नेटवर्क की समस्या चल रही है। कभी एक दिन चलता है तो कभी एक घंटे चल जाता है, कभी कभी चलता ही नहीं, जिसको लेकर कार्यकर्ता और जमाकर्ता उप डाकघर के चक्कर लगा रहे। अब अधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद देखते हैं क्या कुछ समस्या का हल होता है या नहीं। न्यूज 21 में आपका स्वागत है, सब देख रहे हैं न्यूज 21। हम खड़े हैं गोसाईगंज के डाकखाने में, डाकघर पे, जहां पर लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है नेटवर्क न होने के कारण। यहां जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों लोग परेशान हैं। यहां इनके वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, दिखाते हैं कि लोग कितनी समस्या है और कितने लोग परेशान हैं, जो जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा वो बाहर खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं, इनके अधिकारी आए हैं। सर, यहाँ जो है कुछ लोग परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है और जिसके कारण हम लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मिनट, कहाँ नेटवर्क नहीं? एक साल लगभग हो गया, आपके ही यहाँ के एजेंट बता रहे हैं, एक साल से लगभग। पहले मुझे मैं पूछ लूँ तब तो बताऊँ आपको, अपने स्टाफ से पूछ लूँ। आप बता रहे हैं नेटवर्क नहीं है, किसी मैं इतनी टाइम से कोई नहीं बताया कि नेटवर्क नहीं है। मैं पहले स्टाफ से पूछूँ नेटवर्क है कि नहीं। हम लोगों को जो मिली है, नहीं तो भाई आपको सूचना मिली ना जी, आपके सामने मैं उससे पूछ रहा हूँ, और मैं नहीं पूछ लीजिए आप। जैसा कि अधिकारी का बता रहे हैं कि हमको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, जबकि यहाँ के जमाकर्ता और कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि लगभग 2021 दिसंबर से नेटवर्क की समस्या के कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ के कर्मचारी क्या जवाब दे देते हैं, बने रहिए है राजेश तिवारी के साथ, जवाब देते हैं अधिकारी। जैसे आप छुट्टी जाएंगे तो व्यवस्था कहाँ से होगी, कहीं भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। ऐसे अगला छुट्टी जाएगा तो व्यवस्था वहीं, यहाँ जहाँ कई स्टाफ हो वहीं भेजे जाएंगे, तो ये तो आम बात है। पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, हम टाइम देते हैं लोगों को। नहीं आप बताइए, आप ही कर रहे हैं काम नहीं हो रहा है, काम की बात नहीं है। आप ही क्या नेटवर्क के बारे में जैसा आप बता रहे हैं, मैंने स्टाफ से पूछा, ये बता रहे हैं कि कभी कभार जो है नेटवर्क डाउन रहता है। नेटवर्क डाउन रहता है इसके लिए कभी भी, तीन चार महीना मुझे हो गया इस डिवीजन में ज्वाइन किए, गोसाईगंज से किसी भी स्टाफ ने या किसी पब्लिक ने कभी नहीं बताया कि हमारा नेटवर्क डाउन। जैसा सर आपके यहाँ के जो कार्यकर्ता है, एजेंट हैं, वही बता रहे हैं कि भैया दिसंबर 21 से लगातार कंटिन्यू आप वो कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं चार महीने से हूँ गोसाईगंज की, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे टाटा की एक शिकायत की ओर मिली थी, टाटा मैंने सही करा दिया जी।